मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जहां प्रदेश में बड़ी बिजली की दरों को कम करने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सपा के जिला कार्यालय पर धलड्डे से चोरी की बिजली चल रही है। चोरी की बिजली का कनेक्शन एक नहीं तीन अलग अलग जगह से किया हुआ है। जब इस बारे में सूचना मिलने पर मौके पर कर्मचारियों ने पहुंचकर वीडियोग्राफी कर कनेक्शन काट दिए। इसके बाद अधिकारी एफआईआर दर्ज करने की बात कह रहे हैं। जानकारी के अनुसार मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र के मिलक स्थित सपा जिला कार्यालय पर चोरी से बिजली चलाने का मामला सामने आया है। सपा कार्यालय पर कोई बिजली कनेक्शन नहीं है, उसके बावजूद बिजली के खंभे, स्ट्रीट लाइट, पोल और पुलिस एकेडमी में जा रही लाइन में से बिजली के कनेक्शन लेकर कार्यालय की लाइट चलाई जा रही है। वहीं कार्यालय के गेट पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश में बड़ी बिजली की दरों को कम करने के लिए एक तख्ती लगाकर अपना विरोध जता रहे हैं। इस पूरे मामले में सपा का कोई भी पदाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारी नासिर ने बताया कि जेई का फोन आया था, उसके बाद हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय आए हैं। स्ट्रीट लाइट से बिजली का एक तार अंदर कार्यालय में जा रहा है, बिजली का मीटर भी नहीं है, वीडियो बनाई है, अब अधिकारी इसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि इस तरह की सूचना मिली है कि एसडीओ को बताया गया है, अगर बिजली चोरी का मामला सामने आता है तो जरूर कार्यवाही की जाएगी, बिजली चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। हम तो पेट्रोल में काम कर रहे थे, तो क्या सूचना मिली आपको? जय साहब ने कहा कि देखो वहाँ पर कोई तार पड़ा हुआ है, क्या है मैं बताओ, तो उन्होंने जय साहब को फोन करके बोला। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या मिला आपको? यहाँ पर ये तार पड़ा हुआ है, एक स्ट्रीट लाइट का के तार है, उसमें से तार नीचे जा रहा है। तो क्या मीटर लगे हुए हैं यहाँ? ना मीटर नहीं। क्या समाजवादी का कार्यालय, कोई कार्यवाही होनी चाहिए इनके ऊपर, ये तो अधिकारी बताएंगे इसमें क्या। नहीं तो आप क्या करके भेजेंगे यहाँ से? आप क्या करते हैं? जो चीज है वो अभी यही साहब को बता रहा हूँ, वो कार्रवाई कर रहे हैं। वीडियो बना लिया आपने इसकी? मात्र पाँच रुपए में। कोठी नंबर चार है, जिसे समाजवादी पार्टी के कार्यालय के नाम से जाना जाता है, उसकी बोर्ड भी लगा है, लेकिन देखने में आया उसके अंदर चार तरफ की लाइनें केबल जा रहे हैं, लेकिन कोई मीटर नहीं है। क्या वजह रही जो सिविल लाइन्स में विद्युत विभाग की नजर नहीं पड़ी और बाकी काफी सख्ती चल रही है? नहीं, देख लेते हैं, ये अभी मैं अपने एसडीओ को भेज रहा हूँ, उसको चेक करवा रहा हूँ, अगर ऐसा है तो निश्चित कार्रवाई होगी। नहीं, कार्रवाई वही, अगर अनधिकृत रूप से चला रहे हैं तो एफआईआर करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा इसमें बक्सा नहीं जाएगा। नहीं, इसको मैं दिखवा लेता हूँ अभिलेखों में, देख लेता हूँ क्या है, अगर बिना मीटर के है तो इसमें इट मीन्स थेफ्ट है, डायरेक्ट थेफ्ट है, उसको हम दिखवा लेते हैं। आप जैसा कह रहे हैं मैं दिखवाता हूँ, उम्मीद है कि शाम तक आपको इसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।